heavy metal. I don't make a sound when I strike. You better just run for your life. तो मेरे भाइयों, इस वीडियो में तुम्हारा भाई बात करेगा इस टॉपिक पे. यार एक तो जितने तुम बड़े फैन हो गए ना ऋतिक के, उससे बड़ा फैन मैं हूं. मुझे को पता यार कितना हार्डवर्क लगा होगा, कितना ज्यादा हार्डवर्क लगा होगा ये जानते हुए कि जनाब की स्लिप डिस्क थी. मतलब भाइयों बहुत हार्डवर्क करा होगा. बट यार ये वीडियोस ना, मतलब मैं देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूं. मतलब लाइक तुम्हारी अगर फटके चार होती है, मेरी फटके 74 होती है कि भाई क्या वीडियो बना दी है. बट यार मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, एम मेरी इस वीडियो का ये है, शेमिंग करना नहीं है ऋतिक रोशन को. मेरा एम ये है कि यार देखो हमें ना रियलिस्टिक गोल्स लेने चाहिए उस रियलिस्टिक टाइम में. मतलब अगर हम सोचेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि एक साल में भाई मैं अभी मोटा हूँ, मैं अभी बिल्कुल एब्स बना दूंगा और ये सब करेंगे, और काफी लोग सोचेंगे 17-17, 18-18 साल के लोग हैं जिम ज्वाइन कर लेंगे, भाई अब तो एक साल में ना ऋतिक की तरह बॉडी बना देनी है, नहीं मिलेगा उनको रिजल्ट. वो भाई वो अच्छा वर्कआउट प्लान लगाएंगे, अच्छी डाइट रखेंगे, नहीं मिलेगा उनको रिजल्ट. क्योंकि शायद से ना ऋतिक भाई ने ना कुछ सब्सटेंसेस, कुछ जूसेस, कुछ स्टीरोइड लिए हैं जो किसी को नहीं पता. किसी को पता ना मत सर, बॉडी ऐसे बनती है. मैंने भी बॉडी बनाई थी, और मैंने कहां से बॉडी बनाई थी वो भी तुम्हें बता देता हूं. बट ये पूरी की पूरी बॉडी मैंने बनाई चार साल में, एक साल में नहीं. और भाई वो भी अभी कम है भाई, कंपैरेटिवली अगर तुम कंपैरिजन देखो तो. तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल बॉडी. बॉडी बिल्डिंग जैसे कि बहुत लंबा प्रोसेस है, बट ऐसे जनाब ने मोटिवेशनल वीडियो बना के हमारे लिए ऐसे गोल सेट कर दिए कि हमें लगता है भाई बस यही बॉडी बनाएंगे, इसमें ही लड़की पड़ जाएगी. अब ऋतिक रोशन के पास बहुत सारा पैसा है भाई, बहुत सारा पैसा पास, और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है. अगर हम वीडियो की स्टार्टिंग देखें, उनका जो टॉर्सो का एक्सरे भाई स्टडी करा जा रहा है 3-4 डॉक्टर्स से, पूरी टीम बैठी हुई है. हमारा पेट में हमें दर्द हो रही है भाई, डंबल तब भी उठा रहे हैं, पता लगता है भाई इतनी पकड़ी इंजरी हो गई कि अगली बार डंबल ही नहीं उठा पा रहे. हमारे साथ ये होता है कि जनाब के ऊपर 3-3, 4-4 ट्रेनर चढ़ रखे हैं. हमारे ये होता है कि जिम में 4 ट्रेनर हैं, चारों के चारों अलग लौंडियाबाजी कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे लड़की फंसा रहे हैं. हमारे साथ ये होता है कि सप्लीमेंटेशन जो हमारी बात होती है तो हमारे मम्मी पापा ही मना करते हैं, अरे बेटा प्रोटीन क्यों ले रहा है. अरे भाई साहब प्रोटीन के बाद भी क्रिएटिन, BCAA, प्री वर्कआउट, बांग भोसड़ा, पता नहीं क्या क्या आता है. उसके बाद भाई स्टेरॉइड, हम भाई क्या करते हैं, अरे यार सस्ता दे दो स्टेरॉइड, सस्ता दे दो स्टेरॉइड, 5,000 की साइकिल चला देंगे. ये जनाब एक एक इंजेक्शन 1.5-1.5 लाख का अफोर्ड कर सकते हैं. हम इनसे कंपैरिजन करेंगे और चाहेंगे ऐसी बॉडी बन जाए. ऐसी बॉडी बनेगी, बन भी जाएगी तुम्हारी स्टेरॉइड यूज करते हैं, बट भाई उसके जो हार्मफुल इफेक्ट होंगे ना इन 200 टाइम्स. तो भाइयों दूसरी चीज ये आ जाती है कि उनका काम है भाइयों बॉडी दिखा के पैसे लेना. ये जब भी शूट होता है उससे पहले ये ऐसा करते ही करते हैं. और हमारा क्या काम है, बैंक में काम करना, नोटबंदी में भाइयों एटीएम की लाइन में लगना, और डीवन में भाइयों लड़ाई करते रहना कि अरे यार और गाड़ी आज मेरे को लेके जाने दो, मेरे को बंदी को उठाना है. भाइयों अगर हमें यही बकचोदियों में फंसे जाएंगे तो भाइयों कहां बॉडी बन पाएगी, कहां हम 2400 घंटे दे पाएंगे. और हम नहीं दे सकते यार, क्योंकि हमारा काम अभी ये नहीं है. हमारा काम भाई अलग अलग है, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं, इनका काम सिर्फ ही यही है. तो भाइयों एक तो ये चीज हो जाती है. बट काफी लोग, काफी अंकल बोलेंगे नहीं, सही न्यूट्रिशन लो, सही ट्रेनिंग करो, सही एक्सरसाइज करो, ऐसी बॉडी बनेगी. तो भाइयों उन लोगों को ना मैं एक मैसेज देना चाहता हूं. जनाब की एज क्या है देख लो एक बार गूगल करके, 46. हम अगर एक ग्राफ स्टडी करें ना, इस ये ग्राफ बेसिकली ये बताता है कि जितनी उम्र बढ़ती रहती है ना उतना ना टेस्टोस्टेरोन नीचे 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 गिरता रहता है. हम एक एग्जांपल लेते हैं, दो भाई हैं, जेनेटिक सेम है दोनों भाइयों की, एक 20 साल का एक 30 साल का, दोनों भाइयों सेम वर्कआउट प्लान यूज कर रहे हैं, दोनों सेम डाइट ले रहे हैं, दोनों सेम रिकवरी कर रहे हैं. ज्यादा बॉडी पता है किसकी बनेगी, ज्यादा मसल गेन किसका होगा, 20 साल वाले का, उसका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है इसलिए उसका मसल ज्यादा बनेगा. तो इसीलिए भाइयों रीजन यही है कि एथलीट्स जो होते हैं वो भाइयों 30 तक आते आते भाइयों रिटायर हो जाते हैं, यही है भाइयों मेन रीजन. और ये जनाब तो 46 में बढ़िया बॉडी बना ली. 46 में भाई एक बार जरा हमारी सोसाइटी में एक बार देख लो, 46 के जो अंकल हैं किसकी ऐसी जैक्ड अप बॉडी है, मेरे को तुम बता दो. 1% मिलेगा भाई ऐसा बंदा, 1%. तो भाइयों ये सिंपल सी चीज है कि भाइयों अगर ऐसा वाला चीज करना है, अगर उसको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन से, एक अलग स्टेरॉइड उसको यूज करना पड़ेगा, एक अलग पूरी पूरी साइकिल चलानी पड़ेगी जो इन जनाब ने चलाई, बट हमें नहीं बताया गया. और हम
फॉलो कर रहे हैं कि भाई हमें भी बॉडी बनानी है, हमें भी करने है। और जब हार्श रियलिटी ये है, जब हमें पता लगता है तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचती है, जब हमें पता लगता है कि अरे यार ये तो बॉडी बन नहीं पाएगी, एक तो यार हम जिम छोड़ देंगे, दूसरी चीज है हम भी स्टेरॉयड लेना यूज कर देंगे, बट वो सस्ता यूज करेंगे तो बुरा इफेक्ट पड़ेगा भाई, चुन जाएंगे। बट होता क्या है ये स्टीरॉयड? देखो यार स्टीरॉयड, अब देखो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अगर तुम करने जाओ बहुत लंबी प्रोसेस है, मानो मेरी बात, कई लोग तो इससे बोर होके भाई ये बंद कर देते हैं। स्टीरॉयड ना ये चीज ना फास्ट फॉरवर्ड कर देती है, जो हम जैसे अगर कल से सोच लिया तूने भाई तू 100 ग्राम प्रोटीन खाएगा, तेरी बॉडी एडजस्ट ही नहीं करेगी, पीछे गांड से निकलेगा तेरा प्रोटीन। अब ये बंदा क्या करता है, स्टेरॉयड अगर ले लिए तो वो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देता है, प्रोटीन ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा रिकवरी, जो तू 8 घंटे सोता है ना रिकवरी करता है, वो बहुत ज्यादा जल्दी रिकवरी होने लग जाते हैं, तो तुम्हारा मसल बढ़ने लग जाता है। बट इसके इतने नेक्स्ट लेवल हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, हेयर फॉल, पिंपल, ज्यादा वर्स्ट इफेक्ट हो तो इम्पोटेंसी, भाई वो बॉडी बना के क्या करेगा जब तू काम ही नहीं कर सकता, क्या करेगा भाई। और लास्ट है अगर किडनी फेल हो गया तो भाइयों बहुत बुरा इफेक्ट ये पड़ जाएगा कि तू मर जाएगा। और ये काफी केसेस भाइयों हम अखबारों, न्यूज़पेपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में पढ़ते हैं। तो अब क्या करा जाए, क्या करा जाए, यही करा जाए कि भाइयों एक रियलिस्टिक फिटनेस गोल रखो कि भाइयों ये हाँ हम फिट हैं, हम इतना अचीव कर सकते हैं। भाइयों सच बताऊं, ये जो सेलिब्रिटीज है ना, ये भी जब शूट पे जब इनको बॉडी दिखानी होती है ना तभी ये बॉडी प्रिपेयर करते हैं। तुम ये मान लो इन जनाब ने जब इनकी पहली मूवी आई कहो ना प्यार है, तब भाई बहुत मोटे मोटे वो बाइसेप्स थे। क्रिश 3 में तो भाई ऐसी बॉडी थी, इसको 2 मीटर और जगह मिलती ना ये वहां पे भी 4 एब्स निकाल लेता, मतलब 10-12 एब्स, ऐसे वाला सीन हो जाता। बट मेन चीज ये है कि यार ये तभी ये बॉडी बनाते जब इनको फिल्म का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तुम्हें पता है फिल्म में भाई कितने करोड़ रुपए मिलते हैं, तो ऐसा सिस्टम होता है। इसलिए इनका काम है, मैं तुम्हें यही बता रहा हूं, अपने काम करो और एक फिट लाइफस्टाइल जियो विदाउट स्टेरॉइड, यही तुम्हारा भाई उधर बताना चाहता है। अपनी प्रॉब्लम पे वीडियो चाहिए इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम करो, तुम्हारा भाई ऐसी वीडियोस बनाता रहेगा। बेल आइकन दबाते रहना और कुछ भी करके ना वो सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए बस।